आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, बड़ी खबर सामने आ रही है। जनविश्वास यात्रा के दौरान मंच पर चले डंडे, जिला उपाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता, मंच पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, मारपीट के दौरान मंच पर मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री। पूरा मामला छिबरा मऊ विधानसभा क्षेत्र का। कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, जनविश्वास यात्रा के दौरान मंच पर चले डंडे, जिला उपाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने की अभद्रता, मंच पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, मारपीट के दौरान मंच पर मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री। पूरा मामला छिबरा मऊ विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का अंतिम दिन, सीएस दुर्गा शंकर मिश्र, डीजीपी भी रहे मौजूद। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को दिखाई हरी झंडी, सीईसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का अंतिम दिन, सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा, डीजीपी मुकुल गोयल के साथ बैठक। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को दिखाई हरी झंडी, सीईसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का अंतिम दिन, सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा, डीजीपी मुकुल गोयल के साथ बैठक। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को दिखाई हरी झंडी, सीईसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत निर्वाचन आयोग के सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा, डीजीपी के साथ बैठक। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को दिखाई गई हरी झंडी, सीसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का अंतिम दिन, मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, सीसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए विभांशु जुड़ चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा विभांशु, क्या कुछ जानकारी है, किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? विभांशु आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन है, सीएस दुर्गा शंकर मिश्र, डीजीपी के साथ बैठक होगी। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को भी हरी झंडी दिखाई गई है, सीसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन है, सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी के साथ बैठक। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को हरी झंडी दिखाई है, सीसी सुशील चंद्रा ने हरी झंडी दिखाई। मुख्य चुनाव आयुक्त 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, विभांशु किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी, आज चुनाव आयोग का जो 3 दिवसीय दौरा था उसका अंतिम दिन है और 12 बजे इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसके साथ मतदाता जागरूक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अब इसका वो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो इस चीज को बताएंगे। और आपको बता दें कि जो आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव है इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी की गई जिसमें सभी दलों का पक्ष जाना गया। और वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस की तरफ से ओंकार सिंह को डेलीगेट बनाया गया था उसको अनऑथराइज्ड पर्सन अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है। अब देखना ये होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव पे क्या निष्कर्ष निकल के आता है चुनाव आयोग और सर्वदलीय बैठक के बीच से। तो और आपको बताना चाहेंगे कि ये योजना भवन के मुख्य सचिव जो कल की नियुक्ति हुई है दुर्गा शंकर मिश्रा, उनके बीच में बैठक हो रही है
और 12 बजे इसका घोषणा होगा कि चुनाव को लेकर क्या मंथन हुई और क्या निष्कर्ष निकला है, चुनाव कब होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता विभांशु जुड़े थे। लखीमपुर खीरी में हुआ सड़क हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसा देखने को मिला है, विजिबिलिटी के कम होने की वजह से हादसा बताया जा रहा है। बिजली के खंभे से टकराई ओवरलोड ट्रक, पुलिस के सामने निकलते ही ओवरलोड ट्रक सिकंदराबाद पुलिस चौकी के सामने से गुजरती है ट्रक। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के नीम गांव का बताया जा रहा। लखीमपुर खीरी में हुआ सड़क हादसा, बिजली के खंभे पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, पुलिस के सामने निकलते हैं ओवरलोड ट्रक। शाजापुर में मिले कोरोना के दो नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। विदेश से लौटे थे दोनों संक्रमित मरीज, जिला प्रशासन ने जांच के लिए भेजे सैंपल। दोनों मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया। शाजापुर में मिले कोरोना के दो नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। विदेश से लौटे थे दोनों संक्रमित मरीज। लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने दिखाई मानवता, ठंड से ठिठुरते बुजुर्गों को देखकर एसडीएम ने रोकी गाड़ी। एसडीएम ने बुजुर्गों को दी कंबल, तहसील से मुख्यालय वापस जा रहे थे एसडीएम। लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने दिखाई मानवता, ठंड से ठिठुरते बुजुर्ग को एसडीएम ने गाड़ी रोक कर दिया कंबल। एसडीएम ने बुजुर्ग को दिया कंबल, तहसील मुख्यालय वापस जा रहे थे एसडीएम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।